कैसे अलग होगी? No, I think it is a mafia movie only. But how different is it from the usual? The presentation. So it is the story of a succession from one generation to another generation. Na? There are lot many of films like Company, Once Upon a Time in Mumbai. Yeah. You have to look at the camera. Get used to it. Yeah. Okay. So there are so many movies on the succession, but the presentation is very new of this thing. मैं वहाँ बैठ जाती हूँ फिर आप मुझे देख लोगे. ठीक है. Okay. तो इसका प्रेजेंटेशन अलग है रादर देन पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट रादर देन स्टोरी स्टोरी आई थिंक दे हैव हर्ड मेनी टाइम्स दिस वन एंड व्हाई दिस नेम हु चोज दिस नेम आजम या आई ओनली चोज इट मींस किंग इट इज ऑल अबाउट हाउ वन बिकम्स अ किंग सो आजम मींस अ किंग अ लीडर दैट इज व्हाट आजम मींस आप जब ये स्टोरीज लिखते हैं और डायरेक्ट करते हैं तो आपको डर नहीं लगता कि डॉन बोलेगा कि मेरे बारे में नहीं लिखा तूने भाई किसी और के बारे में बता दिया पिक्चर बोलते हैं मेरे को मेरे कलीग लोग के ऐसा वो बात मत कोई बेल मार के बोलेगा कि उसने भेजा है कि मेरे इज दिस बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट नो इट इज नॉट बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट बट दिस काइंड ऑफ थिंग्स डज इट हैपन इन मुंबई हाउ आर यू अवेयर ऑफ दिस मुझे तो नहीं दिखता लोखंडवाला में कोई भी ऐसा डॉन बनता हुआ तो व्हाट डिड यू पिक And what all places from Bombay did you notice कि आपको लगा कि आप डॉन की कहानी ऐसे माफियाज की कहानी उन दर्शकों को दिखाओ जो यूपी में है ग्वालियर में है बिहार में है कर्नाटका में है मैम लोखंडवाला में नहीं लगेगा बट इफ़ यू गो टू मोहम्मद अली रोड आज की डेट में भी आपको लगेगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था सो देर आर उसके जो वॉट यू कॉल न्यूएंसेस उसके जो फील है मोहम्मद अली रोड आप वहाँ पर जाओ आज भी यू फील द सेम के There is nothing, कुछ ज़्यादा बदला नहीं है. It is still. मैं ऐसे जा सकती हूँ. हाँ, ऐसे जा सकते हैं. Thank you very much. Thanks. Is there anything else you want to say about the film? Can I please request the producer of the film, Hemang Patel, to join us on stage, who owns the ship, जिनके पैसों के बगैर डॉन की पिक्चरें भी नहीं बनती. तो आप देख लो, डॉन को पता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं. अब उसको कैसे आप टैकल करोगे, वो आप देख लेना. Via DXB. क्या सोर्स लगाओगे इमिग्रेशन पे रोकोगे या कस्टम्स पे वो आप देख लेना उनको सो आई बिलीव दिस इज योर फर्स्ट फिल्म दैट यू प्रोड्यूसिंग सो प्रोड्यूसर के सर पे बहुत भार होता है फ्रॉम मेकिंग अ बजट टू फाइनली प्रोसीडिंग द बिल्स एंड पेमेंट्स एंड क्लियरिंग इट हाउ आर यू फीलिंग हाउ इज द बिजनेस मॉडल लुकिंग फॉर दिस फिल्म फॉर यू वी आर लुकिंग वेरी फॉरवर्ड अबाउट दिस मूवी एंड स्पेशली जिमी सर एंड अभिमन्यु जी And Indranil ji had worked very well. And most all credit goes to Shravan bhai also for this movie. How were you approached for this film? Jab agar aap pehli baar produce kar rahe hain to? Actually, we liked the story, so just we wanted to produce this movie. तो आपके अंदर भी एक बैड बॉय है जो दुनिया को एक बैड बॉय की कहानी बताना चाह रहा है कि ये माफिया ये डॉन की पिक्चर है ना मैंने प्रोड्यूस की है That's the kick that you're getting, or you like Bollywood in general? Yeah, we like Bollywood in general, and Grey Shade movie we like a lot, so that's why. You know ki zindagi mein kuch black or white nahi hai, sab grey hai, to sab grey mein hi banate hain. Yeah, definitely. Thank you so very much. How has your interaction been with people on set? It's you know interaction. It's really good. And my overall experience with this movie is fantastic. तो पहला lesson as a producer, ये जनता तो आपको देखती है set पे, वो जनता आपको कैमरे से देखेगी, so you have to talk to the audience and the camera, so you have to get used to it for your next film. Yeah, definitely. All right, thank you. So now let us bring the star cast on stage. Jimmy Shergill, who you saw the very first time on the chair of the throne, sir, I request you, producer sahab. आप ही ओन करते हैं ना शिप तो उस शिप के ऊपर भी आप ही को खड़ा होना पड़ेगा अभी तक हमारी पार्क नहीं हुई डॉक नहीं हुई है शिप ऑलराइट जिमी वी आर सीइंग यू इन अ थिएट्रिकल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन अ डिफरेंट अवतार ऑब्वियसली यू हैव बीन द गुड बॉय यू आर गोइंग टू बिकम द इंटेंस बॉय नाउ मैन आई मे से गुड आफ्टरनून एवरीवन आप जो है मेरे नए डायरेक्टर और नए प्रोड्यूसर को ऐसे हड़का रहे हो आज मतलब यहाँ पे आपने उनकी उनकी हालत ख़राब कर दी है जस्ट बिकॉज इज द फर्स्ट फिल्म डजेंट मीन दैट यू ग्रिल देम सो बैडली वो बेचारे बोल रहे हैं बड़ी सिंपल सी फिल्म है वो तो पता लग जाएगा आपको 19 तारीख को कि इस आदमी ने क्या बनाया है क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई थी
तो बड़ा वो सिंपल तरीके से हाथ जोड़ के बोल रहा है, बस बस ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने पहले नहीं देखी है, 19 को पता लगेगा आप पहली बार क्या देख रहे हैं। बट बड़ी अजीब सी कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं इस फिल्म को लेके। ये जब मेरे पास मेरे बंदे भी यहीं पे हैं, अक्षय अनोल, कहाँ भैया हाथ खड़े कर दो, सो देयर ही इज। तो इनको आई थिंक श्रवण जी ने फ़ोन किया होगा, तो इनको ये पूछते हैं कि अच्छा क्या है ये, मतलब किस बारे में कुछ ब्रीफ दे सकते हैं। तो उन्होंने प्रेजेंटेशन भेजी होगी और बताया भी होगा कि एक रात की कहानी है और 25-30 रातों की शूटिंग लगेगी। वो अक्षय को पता है ये रात की शूटिंग तो करता नहीं है, तो खड़क से उसने सीधा ही मतलब एक तरीके से वो कर दिया। जब उसने मुझे बताया कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, और फिर एक ये 25-30 रातों वाली कहानी है, मैंने कहा कि भूत की पिक्चर बना रहे हैं। तो क्योंकि मैंने करी है कुछ भूत की पिक्चरें, एक रात की कहानी पूरी रात 40 रातें मैं लगा हुआ, तो खुद भूत बन गया था मैं। तो मैंने कहा यार ये तो नहीं होगी, चलो वो कहानी वहाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद स्क्रिप्ट्स आती हैं, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है, तो मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते बीच में एक अचानक से स्क्रिप्ट आती है जो कम्प्लीटली हिंदी में लिखी हुई है, देवनागरी में, और मेरा ये था कि यार ये क्या है। और मैंने ऐसे ही उसको पढ़ना शुरू किया और मैं 2 घंटे तक लगा रहा उसको पढ़ता रहा, काफ़ी डिटेल्ड स्क्रिप्ट थी। और इतनी पसंद आई कि मैंने अक्षय को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये कौन सी फिल्म है, ये कौन है, ये तो बहुत कमाल की फिल्म है। तो बोले इनको तो हमने ना कर दी थी ये रात वाली, ये एक रात की कहानी है और ऐसे ऐसे करके ये सारा कुछ हुआ है। मैंने कहा बॉस उसको फ़ोन लगाओ, कौन है वो आदमी, ये क्या कमाल की स्क्रिप्ट इस आदमी ने लिखी है। और लकीली शायद मेरी किस्मत थी कि उन्होंने तब तक जो है वो किसी को कास्ट नहीं किया था उसमें, और फाइनली आई गॉट टू डू दिस फिल्म। सो ये कहानी है मेरी इस स्क्रिप्ट को लेके। और एक हमारे अभिमन्यु जी हैं जो सिर्फ नरेशंस जो हैं वो लेते हैं, तो इनको नरेशन दी गई तो इन्होंने बड़े आराम से बोला कि सर जो है वो मैं स्पेशल अपीयरेंस मुझे अब जब 19 को पिक्चर देखोगे आप तो आपको पता लगेगा कि वो स्पेशल अपीयरेंस है कि मेन रोल है। तो ऐसे ऐसे बड़े अजीब किस्से हुए हैं इस स्क्रिप्ट के साथ। और उसके बाद ये फिल्म की शूटिंग हुई, हमने भी कहा कि ठीक है करेंगे 25 रात 30 रात इस फिल्म को, कुछ दिन हम लोगों ने एक्स्ट्रा भी लगाए क्योंकि यू फेल्ट सो कनेक्टेड विद द स्टोरी लाइक दिस। आई थिंक ऐसी कहानियाँ जो हैं जो इतना बढ़िया बैलेंस कॉमर्स का और सिनेमा का लाना जो है और वो करना, आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर जिनको आप हड़का रहे थे। अब डॉन की पिक्चर है ना, थोड़ा मूड में आना पड़ता है। थैंक यू जिमी। कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट अभिमन्यु सिंह हु इज द सन ऑफ द डॉन, जिनके राइज के लिए ये पिक्चर बनी है, टू जॉइन अस। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सो यू आर as Jimmy told me that you were planning to do a special appearance, so ye special appearance main role tak bante usme aapka kitna haath tha aur aapko kya laga ki thoda aur special kar dete masala aur dal dete? Nahi, frankly speaking Jimmy ne bola wo sahi hai because mere days kuch kam liye jane wale the, to mujhe laga itne kam din mein shooting kar raha hu to yaar role to bahut zabardast hai, dhamakedar hai, to theek hai agar special appearance denge to karunga। तो तुरंत तैयार हो गए। जब मैंने फिल्म देखी तो आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज शॉक्ड कि वो मेन लीड है और हम तीनों ही मतलब एक बहुत ही लेयर के ऊपर काम किया है डायरेक्टर ने। जैसा जिमी ने तो तारीफ के कोई शब्द छोड़े नहीं, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने भी अंडर एस्टिमेट किया इनको। मुझे लगा हाँ थॉटफुल डायरेक्टर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जिस तरह से इन्होंने इसको डायरेक्ट किया है, कुछ नहीं होते हुए भी आपको उस दुनिया में वो पहुंचा देते हैं। काफ़ी ऑथेंटिक लगता है आपको बैठ के वहाँ पे देखते हुए कि आप उस दुनिया में काफ़ी टाइम के बाद फील करेंगे कि हाँ अंडरवर्ल्ड की दुनिया की खुशबू आ रही है फिर से। ऐसा इन्होंने कुछ क्रिएट किया है, कम बजट में किया। प्रोड्यूसर की भी तारीफ करनी पड़ेगी बिकॉज ये स्टोरी को इन्होंने पहचाना, अक्नॉलेज किया कि स्टोरी में इतना पोटेंशियल है। एंड थैंक गॉड जितने हम लोग एक्टर्स ऑन बोर्ड आए सबको इमिजिएटली पता चला कि यार ये कमाल की फिल्म बनने वाली है और हम सब ने जितना हो सकता है इसमें कोशिश की कि अच्छी फिल्म बन जाए। सो सिंस यू स्पोक अबाउट
हाउ द फिल्म वॉज शॉर्ट, तो आपके डायलॉग्स क्या थे डायरेक्टर जी के साथ, और आप दोनों एज एक्टर डायरेक्टर वॉट वॉज योर इक्वेजन ऑन सेट? एक्टर एक्टर्स ऑब्वियसली सेम फ्रिटर्निटी के हैं, सो द बॉन्डिंग इज डिफरेंट, बट नो, आई ऑलवेज बिलीव इन द फैक्ट दैट द डे आई कम इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्टर आई हैव टू ट्रस्ट हिम एंड आई ऑलवेज डू दैट, बी इट अ फर्स्ट टाइमर और अ वेरी एक्सपीरियंस डायरेक्टर, मैं उनको सेम तरह से इम्पोर्टेंस देता हूँ, बिकॉज मुझे एज एन एक्टर लगता है कि अगर मैं ज़्यादा इंटरफेयर करूँगा तो हर फिल्म में मैं सेम दिखूँगा, सेम रहूँगा, तो किसी भी डायरेक्टर का फीडबैक लेना इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज डायरेक्टर आपको एक अलग नज़रिए से देखता है। जैसे इस फिल्म में जब आप मुझे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये अंडरवर्ल्ड का लड़का है और वहीं पर अपब्रिंगिंग हुई है, समहाउ जैसा लुक डिज़ाइन किया गया तो वो डायरेक्टर ही लेके आता है। मैं पूरा क्रेडिट इसमें डायरेक्टर को दूंगा। So we've seen you in different roles, negative and of course different grays. तो इस picture में वैसे तो आप एक डॉन के बेटे हैं, but आप positive हैं या negative हैं या grey हैं? इसमें कोई भी positive या negative नहीं है, सब लोग grey हैं। इस film की एक खास बात है कि इसमें कोई black या white नहीं है, सारे characters grey हैं और अपनी जगह सब सही हैं। और जैसा director ने नाम रखा है आजम, हर किसी को आजम बनना है और हर किसी के दिमाग में गेम चल रहा है और हर कोई बुरा है। हर कोई बुरा है। Can I request the third pillar of the film who's playing a good cop in bad situations, Indraneel Sen Gupta, to join us on stage, please? Thank you. So Indraneel, you're playing a cop and picturon mein पहले देखा जाता था कि पुलिस काफ़ी बाद में आती है, इस बार आपको डायरेक्टर साहब ने टाइम पे भेजा है स्क्रीन प्ले, या यू न्यू दैट व्हाट प्लॉटिंग एंड प्लानिंग इज गोइंग थ्रू एंड यू एडेड योर विजन ऑफ अ कॉप टू अ फिल्म? नो, विजन इज कम्प्लीटली श्रवण जीज। ओके, एंड जब स्क्रिप्ट पढ़ा था मैंने तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कैरेक्टर, तो ओवरऑल स्क्रिप्ट मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और मेरा कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ये पहली बार मुझे ऐसा लगता है, आई हैव प्लेड कॉप्स इन इवन इन बंगाली फिल्म्स एंड इवन इन हिंदी वर्क, नॉट नेसेसरीली फिल्म्स, बट इसमें काफ़ी डिफरेंट है कॉप। और ये जो अभी अभिमन्यु बता रहा था कि ग्रे हैं सब, आई थिंक रियल लाइफ में सभी ग्रे होते हैं, कोई ब्लैक या वाइट नहीं होता। इफ़ आई एम गुड टू समवन आई मेट बी बैड टू समवन एल्स, सो एवरीवन इज़ ग्रे एंड दैट्स वाई ऑल द कैरेक्टर्स आर वेरी रियल। लेकिन आई वुड लाइक टू थैंक श्रवण जी एंड मिस्टर पटेल कि मुझे मौका दिया है ऐसा रोल प्ले करने का। एंड आई फील व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फिल्म व्हेन इट वाज ऑफर्ड टू मी, जो स्क्रिप्ट तो होता ही है, स्क्रिप्ट डेफिनेटली अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि मैं बहुत बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स के बीच में काम कर रहा हूँ। जिमी अभिमन्यु तो है ही, साथ में रजा मुराद जी हैं, सयाजी शिंदे जी हैं, गोविंद नामदेव जी हैं, सो मुझे लगा चलो ठीक है, इनके कंधे पे रख के मतलब गोली चला ही सकते हैं, ठीक है। सो आई वाज लाइक ओके, आई एम इन सेफ कंपनी, सो दैट्स व्हाई आई थॉट दिस इज द राइट प्रोजेक्ट टू बी अ पार्ट ऑफ। एंड हु वाज योर रेफरेंस, व्हिच कॉप वाज योर रेफरेंस, फिल्मों के कॉप वाज योर रेफरेंस, या रियल लाइफ में आप मुंबई पुलिस से मिले या कहीं किसी कॉप से मिले जो आपके जहन में आए, बिकॉज एक रेफरेंस तो दिमाग में होता है। नो एक्चुअली ये मतलब दिस इज थिंग अबाउट मी दैट आई डू नॉट लाइक रेफरेंसिंग एंड आई डू नॉट लाइक आई नेवर लाइक रेफरेंसिंग। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरीके से करूँ, ऐसा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई विल बी मोर ऑनेस्ट टू इट इफ आई ट्राई एंड डू इट माई वे, स्टिकिंग टू द स्क्रिप्ट एंड स्टिकिंग टू द विजन ऑफ द डायरेक्टर। सो मैंने वही कोशिश करी है, आई नेवर ट्राई टू कि और कोई बड़े कॉप्स का कुछ देखूँ या उनके बारे में पढ़ूँ, ऐसा नहीं किया। आई जस्ट ट्राई टू बी ऑनेस्ट टू द स्क्रिप्ट और श्रवण जी ने जैसा मुझे गाइड किया या मेरी तरफ से मैं जितना दे पाया बस उतनी ही कोशिश करी है मैंने। सो आई हैव ऑलवेज अप्रोच्ड कैरेक्टर्स लाइक दैट। एंड द सेम क्वेश्चन फॉर जिमी एंड अभिमन्यु आल्सो, दैट हु वर योर रेफरेंस पॉइंट्स और समबडी ईदर रियल लाइफ और फिक्शन? No, I think I was told right in the beginning that we are not going to take from anything which has come before. Even the language, if you see, it's very precise. It's not going too much into that karinga, kalinga, and all that, whatever how we try to portray the whole thing. It's got a kind of a stature to it in terms of the dialogues, in terms of the
characters and everything like that. So we were told in the beginning only not to get into all that. That question had come up before we started shooting. I did have a word with him. So he said, no, we'll stick to this. So that is, I think, what sets this particular story apart from the other ones. Yeah. Abhimanyu. Ji, I also didn't take any reference from anywhere. तो पर यही था कि जब मैं वहाँ बैठा, रजा साहब मेरे फादर प्ले कर रहे हैं, आसपास ऐसे दिग्गज एक्टर हैं जैसा इंद्रनील ने बोला, तो अपने आप एक बॉडी लैंग्वेज और जैसे डायलॉग्स थे लिखे हुए, जैसी सिचुएशन थी, तो कुछ ख़ास मुश्किल तो नहीं हुई, पर हम सब ने काफ़ी रियल इसको करने का कोशिश किया। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ड्रामेटिक हमने ट्राई किया, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एक्टिंग हो ही नहीं रही है, क्या होता है क्या नहीं होता है, बट डेफिनेटली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सिनेमा इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन राइटिंग, स्क्रीन प्ले जिसको बोलते हैं हम लोग, उस चीज के लिए ये एक स्टडी बनने वाली है फिल्म। ये 100% मैं बोल सकता हूँ, दैट इज द क्रेडिट दैट गोज टू श्रवण जी, इज आई थिंक दैट स्क्रीन प्ले द वे इट गोज दैट विल बिकम अ केस स्टडी लेटर ऑन, 100% आई एम 100% श्योर अबाउट इट। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, जैसा जिस लेयरिंग पे काम किया है डायरेक्टर ने, जैसे प्याज की परत होती है, एक परत उतरी तो उसके ऊपर दूसरी है, फिर तीसरी, चौथी, कुछ मिलता नहीं है फाइनली आपको। तो वैसा कुछ क्रिएट किया है, एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है जो मेरे लिए शॉकिंग था, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, तो प्लीज। एक्चुअली ऐसा है, इफ यू कांट डू द ग्रेट थिंग्स ना, देन डू द स्मॉल थिंग्स इन ग्रेट वेज, सो दैट्स व्हाट वी हैव डन, सो ऑल क्रेडिट गोज टू श्रवण जी एंड आजम टीम, थैंक यू। ये देखिए 10 मिनट में कायम हो गए, देखा। The floor is open to the media to ask. आपका हो रहा ही ऐसा है सर। The floor is open for the media to ask questions. मेरा सवाल फिल्म के डायरेक्टर साहब से है, सर आपसे। सर, बॉलीवुड में अभी तक जितने भी फिल्में बनी हैं दोस्ती पर बनी हैं, और मैं खुद भी दोस्ती पर बहुत विश्वास रखता हूँ। आपके ट्रेलर का जो एंडिंग पोर्शन है वो मुझे समझ नहीं आया है कि गद्दी पे पहुंचना है तो दोस्तों को मारने की आदत डाल दो। ओके सर, जो गैंगस्टर अगर आप रियल लाइफ में देखें सर, मे बी इटालियन हो या कोई कहाँ भी गैंगस्टर हो, तो सर वो क्लोज सर्किट में काम करते हैं आप, और सर आप ज़्यादातर देखिएगा सर, गैंगस्टर की जो डेथ होती है उसका जो कारण होता है ना, बहुत नज़दीक वाला ही होता है, या तो उसने इन्फॉर्मेशन दी है या तो उसने कुछ किया है। सो सर इट इज़ सर अभी ये एकदम मुझे आसानी से बताना मुझे तकलीफ हो रही है, बट दिस इज समथिंग लाइक शेक्सपियर काइंड ऑफ अ थिंग। शेक्सपियर में कैसे था कि उसकी वाइफ ही उसको बोलती है कि मेरे हस्बैंड को तो मार दे, है ना, ओथेलो एंड ऑल दैट। तो सर रिलेशनशिप की और गैंगस्टर की ये वो होती है सर कि उनका एक अलग लेवल पे होता है, एंड मोस्टली दे आर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ देयर नियर एंड डियर वंस। कोई दूर का आके उनको नहीं मारता सर, हमेशा नज़दीक का ही मारता है, एंड इट इज़ ऑलवेज फैक्ट है, और ड्रामेटिकल भी है सर, इट इज़ हाउ इट वर्क्स आई सपोज। मेरा अगला सवाल जिमी सर से है। सर, आपको रोमांस करते हुए रोमांटिक चॉकलेट बॉय के रोल पे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। ऑनेस्टली कहना चाहूँगा, फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद रोंगटे खड़े हो गए, बहुत ही आउटस्टैंडिंग लग रहा है ट्रेलर, आपका अनुभव कैसा रहा? कुछ कहानियाँ, कुछ फिल्में, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको स्क्रीन प्ले पे फ्लो करना पड़ता है। आप ये नहीं सोचते कि अभी ये मेरे पास ये सीन है, ये शॉट है, इसके अंदर मैं अभी फैल के परफॉर्म करूं, ये करूं, ये करूं, लोटा लेके आया हूं, उसके भर के एक्टिंग करूं, वो सब कुछ फिल्मों में नहीं कर सकते। यू हैव टू गो विद द डायलॉग्स। जैसे अभी आपने मेंशन किया कि अपना वो जो डायलॉग है जिसमें वो कहता है कि कुर्सी पर बैठना है, ये धंधा करना है तो दोस्तों को मारना सीख ले भाई, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है उस कैरेक्टर को। दूसरा जो कैरेक्टर है वो शायद किसी चीज़ से कन्विंस नहीं है, अब ये दूसरा आदमी उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि बॉस ये सीख ले अभी, तू करना है ये सब, अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है। तो उस तरीके से यू हैव टू गो विद द फ्लो समटाइम्स, ऑल्सो यू हैव टू गो विद द स्क्रीन प्ले, यू हैव टू इट। हर थ्रिलर में, इन सब में देखा होगा, कुछ अंडरडॉग आप दिखाते हो कि आप
कभी बिलीव ही नहीं कर सकते, अरे बाप रे ये आदमी ये कर जाएगा वो कर जाएगा एंड ऑल द व्हाटएवर. सो बहुत सारी ऐसी फिल्में स्पेशली थ्रिलर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्क्रीन प्ले के साथ और डायरेक्टर के साथ चल के जाना पड़ता है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. जिमी सर दिस साइड जी, फ्रंट फ्रंट यहाँ देखिए सर. सर प्रभात फ्रॉम फिल्मिंग. सर जानना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी में मतलब हर फील्ड में लोग अचीवर्स हैं, तो फिल्म का मीडियम हो या न्यूज़ मीडियम हो, आज के ज़माने में ज़्यादा ही ग्लोरीफाई किया जा रहा है क्राइम्स और क्रिमिनल्स को, तो थोड़ा लॉजिकल इलॉजिकल लगता है ये चीज़ आपको? इलॉजिकल लगता है बेसिकली, क्योंकि हर कैटेगरी के लोग फिल्म देखते हैं, हर एज के लोग फिल्म देखते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके से इस फिल्म की प्रोजेक्शन देख रहे हैं, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि राइज ऑफ डॉन है या ये है या वो है, वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है इस टाइम पे कि क्या आप अपनी कहानी अपने दिमाग के अंदर गढ़ रहे हैं उसको लेके, कि वही जो न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है वैसा हो रहा है. ये एक्चुअली एक रेस अगेंस्ट टाइम पिक्चर है. ये एक रात के अंदर कुछ घटनाएं घटी हैं जिसके अंदर सिस्टम भी है, जिसके अंदर पुलिस भी अपना जॉब कर रही है, सब कुछ कर रही है और कुछ चीज़ों को रोक नहीं पा रही है. तो आप वैसी कहानी देखने जा रहे हैं विच इज़ रेस अगेंस्ट टाइम. तो जब आप निकलेंगे तो आप ये नहीं सोच के निकलेंगे अरे ये हमें गॉडफादर देख के, ग्लोरिफिकेशन ऑफ इटालियन माफिया देख के निकल रहा हूँ कि मुझे भी ऐसा ही बनना है. नहीं, मोस्टली जो देख के निकलेंगे वो बोलेंगे मुझे ऐसा बनना ही नहीं है. ठीक है ना? सो द थिंग इज दैट इट्स रेस अगेंस्ट टाइम. इवेंट्स दैट हैपेंड इन वन नाइट वेयर सम पीपल वर प्लेइंग सच अ गेम दैट एवरीबडी गॉट शॉक. लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, बेचारे नए प्रोड्यूसर नए डायरेक्टर हैं, आप हड़का हड़का के उनसे कुछ अलग ही कहानी निकलवा रहे हैं, वो नहीं है असली कहानी. मैं बताऊंगा आपको. मेरा सवाल इंद्रनील से, इंद्रनील मेरा सवाल आपसे है जी, जी. कि मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड था, गैंगवार था, वो खत्म करने के मुंबई पुलिस का बहुत बड़ा हाथ था. अभी इतना अंडरवर्ल्ड अभी इतना गैंगवार नहीं है. आपका जो कॉप का रोल है इस फिल्म में, पॉजिटिव सोच रहा है कि निगेटिव विचार का है, कैसा यहाँ पर एग्जैक्ट क्या है ये बता दूंगा तो कैसे चलेगा सर? ठीक है, वही तो कैरेक्टर की खूबसूरती है, वही तो राइटिंग की खूबसूरती है. ये तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए, कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या सोच रहा है हर कैरेक्टर, क्या सोच रहा है एक्चुअली, उसके ऊपर ही है पूरी फिल्म. सो आप प्लीज़ मूवी देखिएगा इसके लिए. हाँ, मेरा सवाल अभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब से, ये फिल्म सेंसर हुई क्या, यू सर्टिफिकेट है कि यू ए दी है, कुछ मालूम पड़े सर? यू ए है, यू ए यू ए दी है. ओके ओके, देखिए अच्छी बात है ना. आपका भी आंसर प्रभात जी. जिमी सर शालिनी सर, जिस तरह से अभी बहुत सी फिल्में आ रही हैं, बहुत बड़ा चेहरा है लेकिन फिर भी वो धमाल पर्दे पे नहीं मचा पा रही है, आपने इस फिल्म के लिए ना बोलने के बाद भी आपने क्यों सोचा कि स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए, और आप क्या स्क्रिप्ट देखकर ही फिल्म को हाँ बोलते कि इसमें क्या होना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया था कि मैं एक्चुअली ये सोच के नहीं पढ़ रहा था कि ये वही स्क्रिप्ट है जो 25 रातों वाली या 30 रातों वाली है. मेरे पास स्क्रिप्टें पड़ी हुई थी, मैं पढ़ते पढ़ते ये भी मेरे हाथ में आई तो मुझे यूनिक लगी कि ये पूरी हिंदी में पहली बार कोई स्क्रिप्ट भेजा. पहली बार तो नहीं, खैर कई बार पहले भी हो चुका, पर बहुत कम ऐसी आती हैं स्क्रिप्ट्स जो पूरी हिंदी में लिखी हुई, देवनागरी में लिखी हुई आपको मिलती हैं. तो मैंने कहा ये पढ़ता हूँ, मैं पढ़ने लग गया और पढ़ते पढ़ते देन आई कुडंट पुट इट डाउन. एंड देन आई कॉल्ड अक्षय द नेक्स्ट डे, यार ये कौन है? ये बोले वो ये वही हैं जो 25 रात 30 रात वाले, हमने उनको ना बोल दी थी. आई से बॉस फ़ोन करो उनको, पूछो कहीं किसी और को तो कास्ट नहीं कर लिया है. तो उन्होंने बोला कि नहीं, लकीली एंड दैट इज़ हाउ फॉर्चुनेटली आई एंडेड अप, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लेट गो ऑफ गुड स्क्रिप्ट. वेदर इट्स अ स्मॉल फिल्म और अ बिग फिल्म डजंट मेक अ डिफरेंस, बट आई डोंट वॉन्ट टू लेट गो ऑफ अ गुड स्क्रिप्ट. एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक स्क्रिप्ट दैट आई रेड इन माई एंटायर करियर. Hello, hi sir, this is Shweta, Bollywood helpline. My question is Shravan sir, halaki Bollywood mein aisi bahut movie aa chuki hain, phir bhi aapke paas teen faces, jab badi faces hain, you know, is movie mein hame aisa kya as a audience dekhne ko milega, ya phir chor police ke hi khel hame dekhne ko milenge is movie mein? Aur ma'am, Ghalib ka ek quote hai na, andaze bayan, to iska andaze bayan alag hai kahani. Aap, there is a theory ma'am, ke aap 49 प्लॉट्स के अलावा कोई कहानी लिख ही नहीं सकते हो. देर इज अ थियरी, इंग्लिश में थियरी है, आप कोई भी कहानी लो ना, देर इज ओनली 49 और 48 परमिनेशन कॉम्बिनेशन विच इज पॉसिबल. हाँ, लेकिन हर चीज़ का जो अंदाजे बयान होता है वो अलग होता है. सो इसका अंदाजे बयान अलग है, दैट्स व्हाट आई कैन. आपको नॉर्मल चोर पुलिस प्रेजेंटेशन, हाँ प्रेजेंटेशन, व्हाट यू कॉल प्रेजेंटेशन, सो इट्स प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट.
एंड आपको नॉर्मल चोर पुलिस का वो पैकेज लगेगा ही नहीं, मतलब ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं, एक्चुअली कोई पैकेज ही नहीं है. दैट इज जैसे इंद्रनील सर ने कहा ना, दैट इज वेरी ऑनेस्ट, एवरी कैरेक्टर इज ऑनेस्ट. सो देर इज नो फॉर्मूला. हमने कोई फॉर्मूला नहीं किया कि हीरोइन चाहिए, दो गाने चाहिए, इतना चाहिए. हमने कुछ वो नहीं कहा कि इनडोर ही होना चाहिए, आउटडोर ही होना चाहिए. हमने ऐसे हैवी डायलॉग्स बाजी भी नहीं लिखी है कि जैसे लिखी जाती थी फिल्मों में. सो इट इज़ ऑल वेरी ट्रू टू ग्राउंड, ट्रू टू सॉइल. एंड उसका अंदाज़े बयान अलग है, उसका प्रेजेंटेशन अलग है. सर दिस इज दीपक फ्रॉम लाइव न्यूज नेटवर्क. श्रवण सर, काफ़ी देर से सुन रहा हूँ जिमी सर से कि नए डायरेक्टर हैं, नए प्रोड्यूसर्स हैं, तो क्या सर ये इज इट योर फर्स्ट फिल्म? नो नो सर, मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ. आई डन अ फिल्म कॉल्ड 706 दिव्या दत्ता अतुल कोड़नी के साथ जो नेटफ्लिक्स में थी. फिर कमाटीपुरा वेब सीरीज हॉटस्टार में मेरी आई है, बट मैं दिखा नहीं ना बहुत, क्या जमीन के अंदर काम करता था. सो दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम विजिबल काइंड ऑफ. एक्चुअली एवरी एक्सपीरियंस वॉज वंस अ बिगिनर. सो फॉर श्रवण जी, उन्होंने आगे 706 एंड कमाटीपुरा की, इट्स रियली फैंटास्टिक मूवी. Hi, this is a web series with KK Menon sir also, Murshid. So it will be coming on Z5. So it is also a gangster donor. So sir, आपका ये plan कितना पुराना था? ये script लिखने में आपको कितना समय लगा है? सर नहीं, पुराना नहीं था सर. बेसिकली मेरे पास एक प्लॉट था, वन लाइनर, एंड आई पिच दैट वन लाइनर टू प्रोड्यूसर कि मुझे ऐसा कुछ है. तो बेसिकली क्या होता है सर कि वेन एवर यू से गैंगस्टर जोन में जाते हो तो यू फील अ डेटेड काइंड ऑफ अ थिंग ना, ये तो पुराने में होता था. देन बट प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि नहीं, आपका जो मुझे फ्रेश लग रहा है, बिकॉज इट इज़ लाइक समथिंग लाइक महाभारत ना, एक जना है और हर एक को, इट इज़ उसका पैकेजिंग कुछ ऐसा है. सो आई थिंक आई रोट इन अराउंड 3 to 4 months मैंने लिखा. वंस ही टोल्ड मी यस कि वी विल बी एबल टू डू इट, सो अराउंड 3-4 महीने में मैंने लिख के आई थिंक फर्स्ट वर्जन उनको सबमिट किया था. एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, अभी जिमी सर की साइड तो इस फिल्म के पीछे की जान ली, लेकिन आपकी साइड क्या थी? सर आई डिडंट गेट यू. क्या जिमी सर ने अभी इस फिल्म के पीछे की एक कहानी बताई कि उन्होंने स्क्रिप्ट को पहले ना बोल दिया, या फिर उसके बाद में पढ़ा तो ऐसी ऐसी स्टोरी थी, फिर उसके बाद में उन्होंने ये कहा. आपकी साइड क्या है? नहीं सर, मेरे पास सिंपल मेरे पास प्रोड्यूसर थे, उनको मैंने 2 लाइन सुनाई, उन्होंने हाँ बोला, मैंने लिखा और काम करना चालू. इट इज़ सो सिंपल सर, आई डोंट नो. ओके सर, थैंक यू. हाय, सर वो तो हमेशा रहता ही है, बट सर समहाउ जिमी सर का जो बिल वो बहुत परफेक्ट है ना, मतलब परफेक्ट इस तरह से वो आदमी गुंडा भी नहीं लगना चाहिए, वो सॉबर भी नहीं लगना चाहिए, सो दैट वाई इट इज सो बैलेंस्ड आउट. या हेलो, या दिस इज मिस्टर कीर्ति कदम फ्रॉम सिनेमास्टर. या माय क्वेश्चन इज टू ऑल द 3 एक्टर्स आउट देयर, आपका बॉडी ऑफ वर्क बहुत बढ़िया है, और डायरेक्टर के साथ कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो गए आपके कुछ सीन्स विंस करने के टाइम? मेरे साथ तो नहीं हुआ, बिकॉज सच बोलूँ तो कभी कोई ऐसा इशू हुआ नहीं. काफ़ी क्लैरिटी थी श्रवण के दिमाग में, तो जब डायरेक्टर बहुत ज़्यादा क्लियर होता है तो एक्टर का काम थोड़ा वहाँ आसान हो जाता है. एक्टर थोड़ा कंफ्यूज भी होने की कोशिश करता है, डायरेक्टर उसको बोलता है नहीं यार यही करके दो. तो और सब कुछ इतना सटीक लिखा हुआ था, बिकॉज काफ़ी एडिटिंग का भी खेल है इसमें, तो जितना शूट करना था उतना ही शूट किया, जिस एंगल में शूट करना था उतना ही किया, तो कुछ कभी ऐसा तकरार या कुछ ऐसी डिफरेंसेस हुए नहीं, मेरे नहीं हुए. बाकी हाँ, मुझे कुछ कहना है. जब मैं फर्स्ट डे शूट कर रहा था, फर्स्ट डे हम लोगों ने शायद क्रोमा पे शूट किया था, सो फर्स्ट डे शूट करके गया, फिर नेक्स्ट शूट मेरा काफ़ी दिनों बाद था, तो श्रवण जी ने मुझे कॉल किया, बोला कि नेक्स्ट शूट अब तक है और फर्स्ट डे का शूट है ना, हम लोग रीशूट करेंगे. तो मुझे नहीं लगता कोई भी किसी भी एक्टर को पसंद होता है ये सुनना कि रीशूट करना है, और वो भी इसलिए क्योंकि श्रवण जी ने कहा कि आपने बहुत सटल किया है इस फिल्म का जो लैंग्वेज है ना उसमें, इतनी सटलिटी शायद बैठ ही गई. तो मुझे मतलब आई डिडंट लाइक द फैक्ट दैट मेरे को फिर से रीशूट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंस. लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने जब फिर से शूट करना शुरू किया तब श्रवण जी ने बोला कि नहीं एक्चुअली इट इज़ वर्किंग. मैंने सबको साथ में लगा के देखा तो देयर इज अ वेरिएशन इन योर कैरेक्टर बाकी लोगों से, सो इट्स वर्किंग, सो विल स्टिक टू इट. मुझे अच्छा लगा. तो ये हुआ था इनिशियली, ऐसा लग रहा था कि मे बी आई हैवंट गॉट इट राइट, सुर ठीक से नहीं लगा, लेकिन बाद में उनको लगा कि चलो ठीक है, इट विल वर्क. सो ये हुआ था मेरे साथ. नहीं, मैंने आपको पता है, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई, तो मैं सवाल जवाब पे ज्यादा करता नहीं हूँ. एक बार स्क्रिप्ट में पता लग जाए आपको कि ये आदमी
ये जानता है कि ये क्या काम कर रहा है और ये कहानी जितनी आगे पीछे जा रही है वो सिर्फ उसी को पता होगा कि कौन से शॉट पे, तो हर शॉट से पहले रेफरेंस लेना पड़ता है कि इससे पहले ये चीज हम रिवील कर चुके हैं नहीं करी है, तो फिर दैट मीन्स अभी हमको ये डायलॉग इस हिसाब से बोलना चाहिए। तो वो सारी चीजों का जो है वो एवरी डे ख्याल रखना, हर सीन में ख्याल रखना, वो उसके लिए इन्हीं के ऊपर रिलाई कर सकता था आदमी और कुछ नहीं कर सकते थे आप।